Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 13, articles. A and the. सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं. There are three types of articles, that is a and the. ठीक है. Now when a is used, when an is used and when the is used. ये तीनों चीजें कब और कहाँ यूज होती है वो हमें इस चैप्टर में देखना है. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट अ. वी यूज अ बिफोर कॉमन नाउन विच आर सिंगुलर इन नंबर एंड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कोई भी कॉमन नाउन है या सिंगुलर नाउन है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? अ. और The word should start from consonant. अब आपको ये तो पता होगा कि consonant क्या है और vowels क्या है. Vowels मतलब A, E, I, O, U. ये पांच letters को छोड़ के जो सारे letters हैं उन्हें कहते हैं consonant. ठीक है. तो इन पांच letters को छोड़ के जो भी common noun या singular noun है उसके पहले हम यूज करेंगे ओ. ठीक है. उसी तरह इफ वी टॉक अबाउट एन तो जहां पे वॉवेल्स है मतलब ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम यूज करेंगे एन. जैसे कि स्कूल है एस इज नॉट अ वॉवेल तो उसके पहले क्या है? ए. बैग है बी इज कॉन्सोनेंट तो उसके पहले क्या यूज किया है? ए. टॉय में टी इज कॉन्सोनेंट उसके पहले क्या यूज किया है? ए. सिमिलरली यहाँ पे देखिए एंट ए एन टी ए इज एन वॉवेल तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. एलिफेंट ए ई आई ओ यू ई इज अ वॉवेल तो ई के पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. ओके. So we use an before common noun which are single or one and begin with a vowel sound. Vowel sound से जो भी word शुरू होता है उसके पहले हम use करेंगे an. ठीक है. Now let us see the first exercise. Fill in the blanks with a or an. I have dash uncle who is dash artist. जैसे कि मैंने आपको कहा वॉवेल है ए ई आई ओ यू तो यू इज अ वॉवेल तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? एन. तो आई हैव एन अंकल हु इज आर्टिस्ट में अगेन ए इज अ वॉवेल तो उसके पहले हमने क्या यूज किया है? एन. आई हैव एन अंकल हु इज एन आर्टिस्ट. डैश लायन एंड डैश माउस वर गुड फ्रेंड्स. लायन एल कॉन्सोनेंट है इसमें भी एम कॉन्सोनेंट है सिंगुलर है सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज करेंगे? ए. अ लायन एंड अ माउस वर गुड फ्रेंड्स. थर्ड द बी इज डैश हार्ड वर्किंग इंसेक्ट. हार्ड वर्किंग का एच कॉन्सोनेंट तो अ द बी इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट. नेक्स्ट जिया लेफ्ट हर हाउस डैश आर अगो. अब यहाँ पे आर है आवर मतलब उसका जो साउंड है वो ओ जैसा होता है और इसीलिए हमने क्या यूज किया है? एन. जिया लेफ्ट हर हाउस एंड आर अगो. डैश वन आईड बेगर स्केर्ड द चिल्ड्रेन. अ वन आई बेगर स्केर्ड द चिल्ड्रेन. ओके. नेक्स्ट द किंग हैड सॉरी आई हैव बीन वर्किंग इन दिस प्लेस फॉर डैश ईयर एंड हाफ. योर एंड योर एंड अ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस प्लेस फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. यहाँ पे एन नहीं आएगा अ आएगा. ओके. बिकॉज वाई इज अ कॉन्सोनेंट वॉवेल होता तो एन आता. ठीक है. नेक्स्ट इज द किंग हैड डैश आर्मी ऑफ 5,000 ब्रेव वॉरियर्स. अगेन आर्मी ए इज अ वॉवेल तो एन. द किंग हैड एन आर्मी ऑफ 5,000 ब्रेव वॉरियर्स. द कंप्यूटर इज डैश यूजफुल मशीन. द कंप्यूटर इज एन यूजफुल बिकॉज यूजफुल यू इज अ वॉवेल इसीलिए एन. नाउ
पुट अ और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन, आपको अ और एन लगाना है. इसमें देखिए इंटरेस्टिंग, आई इज अ वोवेल इसलिए हमने यूज किया है एन. पेयर ऑफ शूज, पी इज अ कॉन्सोनेंट इसलिए हमने यूज किया है अ. थर्ड इजी क्वेश्चन, अगेन ई इज अ वोवेल इसीलिए एन. इंडियन ड्रेस, आई इज अ ए ई आई ओ यू, आई इज अ वोवेल इसीलिए एन. क्लॉक, सी इज अ कॉन्सोनेंट इसीलिए अ. पर्स, पी इज अ कॉन्सोनेंट इसीलिए अ पर्स. बॉक्स, बी इज अ कॉन्सोनेंट अ बॉक्स. आंट, ए इज अ वोवेल इसीलिए एन आंट. बी बुक, अ बुक. डैश बोरिंग स्टोरी, बी इज अगेन अ कॉन्सोनेंट इसीलिए हमने यूज किया है अ बोरिंग स्टोरी. तो ये हो गया अ और एन कहाँ पे यूज होता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी के ध कैसे और कहाँ पे यूज होता है. सी, वी यूज अ और एन व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्सन और थिंग. व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी यूज द. मतलब अगर हम प्रॉपर नाउन, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे द. जैसे कि गिव मी अ बुक, गिव मी द बुक यू आर रीडिंग, मुझे वही बुक चाहिए जो तुम रीड कर रहे हो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया द. ओपन अ बॉक्स, कोई भी बॉक्स, पर ओपन द बॉक्स बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे जो बॉक्स है, पर्टिकुलरली तुम्हारे पीछे जो बॉक्स है वो खोलो इसीलिए हमने यूज किया द. ठीक है, नाउ सी द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एंड और द. डैश शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय टैगोर आर वेरी इंटरेस्टिंग. पर्टिकुलरली कहा गया है कि टैगोर ने जो स्टोरीज लिखी है वो इंटरेस्टिंग होती है इसलिए पर्टिकुलर पर्सन है. तो द शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय टैगोर आर वेरी इंटरेस्टिंग. आई रोट अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी. कौन सी, किसकी, कैसी वो नहीं बताए, कोई भी स्टोरी लिखी इसीलिए अ. डैश ऑस्ट्रिच इज इन द केज, अगेन ओ इज अ वोवेल इसीलिए हमने लिखा है एन. एन ऑस्ट्रिच इज इन द केज. डैश बस पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल हैज अ पंक्चर्ड टायर, जो बस स्कूल के बाहर खड़ी है पर्टिकुलरली कहा गया है इसीलिए हमने यूज किया है द. द बस पार्क्ड आउटसाइड आवर स्कूल हैज पंक्चर्ड टायर. नेक्स्ट, ही फाउंड डैश वन रुपी कॉइन इन द पार्क, ही फाउंड अ वन रुपी कॉइन इन द पार्क. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट. विलिंद अगेन आपको ब्लैंक्स फिल करने ए एन और ध से. डैश फार्मर बॉट डैश डोंकी फ्रॉम द विलेज फेयर, तो अ फार्मर बॉट अ डोंकी फ्रॉम द विलेज फेयर. ही फाउंड द डोंकी टू बी अ यूजफुल एनिमल. अब यहाँ पे हमने पहले अ क्यों यूज किया और यहाँ पे ध क्यों यूज किया. ठीक है, डोंकी इज एन एनिमल, इट इज अ सिंगुलर नाउन एंड ऑल्सो इट इज अ कॉमन नाउन इसीलिए अ यूज किया है. पर यहाँ पे हम पर्टिकुलर उसी डोंकी के बारे में बात कर रहे हैं जो हम फेयर से खरीद के लाए हैं इसीलिए हमने यहाँ पे ध यूज किया है. सो अ फार्मर बॉट अ डोंकी फ्रॉम द विलेज फेयर, ही फाउंड द डोंकी टू बी अ यूजफुल एनिमल. ठीक है, नेक्स्ट. डैश एंट एंड डैश बी वर गुड फ्रेंड्स, द एंट स्टोर्ड शुगर एंड डैश बी स्टोर्ड हनी. अब एंट इज अगेन अ वोवेल ए तो हमने यूज किया एंट. एंड एंट एंड अ बी, बी इज नॉट, बी इज नॉट अ वोवेल इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड सो अ. नाउ एंड एंट एंड अ बी वर गुड फ्रेंड्स, द एंड स्टोर्ड शुगर एंड द बी स्टोर्ड हनी. यहाँ पे क्यों द यूज किया गया है, क्योंकि वो ये पर्टिकुलर एंड और पर्टिकुलर बी के ही बारे में बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में इसीलिए वहां पे हमने यूज किया है द. नेक्स्ट, आई बॉट डैश ऑरेंज वॉज टेस्टी. आई बॉट एन ऑरेंज, ओ इज वोवेल सो एन ऑरेंज. और फिर यहाँ पे ध इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि उसके बाद हमने पर्टिकुलर इसी ऑरेंज की बात की है. शालिनी हैज शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल, डैश स्कूल वॉज वेरी फार फ्रॉम हर हाउस.
अगेन अ न्यू स्कूल, उसके बाद द स्कूल, क्योंकि हम बाद में इसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. रीटा वोर डैश पिंक ड्रेस, द ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल. अगेन द रीटा वोर अ पिंक ड्रेस, उसने एक पिंक ड्रेस पहनी है, वही पिंक ड्रेस, इसीलिए द वॉज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट द वेयर एवर यू थिंक इट इज नीडेड एंड री राइट द सेंटेंस. आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको लगता है कि द होना चाहिए वहाँ पे द लगा के आपको पूरा सेंटेंस वापिस से लिखना है. फर्स्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, सन के पहले द. नेक्स्ट, वी कुड सी स्टार शाइनिंग इन द स्काई, सो वी कुड सी द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई. सो स्टार्स के पहले तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. मैंने अभी सिर्फ वो वर्ड के आगे तो लगा दिया, लेकिन आप जब नोटबुक में लिखोगे तो आप पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके लिखोगे. ओके, नेक्स्ट, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर. सो हमने लिखा है द गंगा. नेक्स्ट, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां. नेक्स्ट, आई ट्रैवल्ड ऑन गंगा बाय बोट, आई ट्रैवल्ड ऑन द गंगा बाय बोट. ठीक है, तो जहां पे पर्टिकुलर नेम है उसके पहले हमने द लगा दिए और फिर पूरा सेंटेंस हम वापस से नोटबुक में रीराइट करेंगे. ओके, सो दिस वॉज द आर्टिकल ए एंड द.